दोस्तों 8 मार्च को होली होने वाली है। पलवल जिले के माननीय मंत्री होली से पहले ही भारी जनसैलाब, आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देने आपके बुलाने पर फरीदाबाद लोकसभा पहुंचे हैं सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर। बहुत सुंदर स्वागत है, एक बार जोरदार ताली मंत्री महोदय जी के लिए। और ये वही अगर अगर आयस सदरा मंत्री जी मंत्रालय जाती है आप भाई भाई को भी भीड़ में जाओ समय पर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके लेफ्ट साइड में सभी बैठ रहे हैं, पहले बैठी है। कहा जा रहा है 30 से 40 हजार लोग इस कार्यक्रम में। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार देखिए मंत्री जी ने जयकार हो गई है। होली मिलन समारोह बना दिया, एक बार जोरदार ताली मंत्री। पूरा पांडाल खतरा लोगों से भर गया था। यही पंडाल से 3-4 किला दूर हम अधीन विधानसभा मैंने कहा मनोज भाई चुनाव लड़ लो, कल ही हमने बताया मनोज भाई ने कहा यार क्या बात कर रहा है राजमान साहब, रैली क्या था नागरिक हमारी 7,000 वोट तुम्हारी, वहाँ के लोगों ने मंत्री जी का स्वागत किया। तुम वो हरवावे हम अगर क्यों बेइज्जती करवा एम एन कोर्ट है तू जाटन को हम लगा ले। कार्यक्रम को मंत्री जी ने स्वागत किया, उन्होंने कहा कि आप लोग मेरा बहुत सम्मान कर रहे हैं, आप सबका आभार रहेंगे। और ऐसे मंत्री जी विपक्ष पर जमकर बरसे भी, ये मेरी ताकत नहीं है आपका कांग्रेस पर, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की ताकत है जो मैं ये फैसले कर रहा हूँ। देखें पूरा वीडियो हरियाणा प्रत्येक सरकार भी देखी है और आपने निर्णय करने वाली सरकार भी देखी है, आप देख सकते हैं वो मिली जुली सरकार जो देश में फैसला नहीं कर पाती थी, आज स्पष्ट बहुमत की सरकार आप लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है। देश हित में बड़े से बड़ा फैसला मोदी जी एक कलम से कर देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। अब तो दबाव रहता था, कभी लालू नाराज, कभी माया नाराज, कभी ललिता नाराज। हमारे बहुत भारतीय और खाड़ी के देशों में पहुंच गए, लेकिन उन खाड़ी के देशों से एक एक भारतीय को सकुशल वापस लाने का काम मोदी की सरकार ने किया। कोरोना में 3 करोड़ लोग जो विदेशों में फंस गए थे, एक एक भारतीय को वापस हिंदुस्तान में लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अभी रशिया यूक्रेन के युद्ध में 25,000 छात्र भारत के फंस गए, जब मिसाइलें चलती हो, बम फटते हो, हवाई जहाज अटैक करते हो, इनके बच्चे वहां फंस गए, उनके दिलों पे क्या बीतती होगी, जातन लागे वातन जाने। लेकिन मोदी जी ने रशिया के राष्ट्रपति से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की और ये तय कराया जो भी तिरंगा लेके निकलेगा उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा और सारे छात्रों को वापिस भारत लेके आए। करते थे कोई ऐसे, उसने कहा घर घर में थाली बजाओ, देश के तमाम लोगों ने थाली बजाई, उन्होंने कहा घर घर में दिया जलाओ, घर घर में हमारी माताओं बहनों ने दिए जलाए। और 15 अगस्त को, पिछले 15 अगस्त को उन्होंने कहा हिंदुस्तान के हर घर पर तिरंगा लहरना चाहिए। मैंने अपने जीवन में घरों पे इतने तिरंगे लहरते देश में नहीं देखे जितने पहली बार इस 15 अगस्त को देखे। तो ये देशभक्ति की भावना, क्योंकि मोदी जी जानते हैं जिस दिन मेरे देश के भाइयों बहनों में नागरिकों में देशभक्ति की भावना आ जाएगी, ये भावना आ जाएगी देश पहले, उस दिन भारत को कोई भी दुनिया का नंबर एक देश बनने से रोक नहीं सकता। भारत काल है जिसमें सबने मिलकर देश के लिए काम करना है, ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जब देश आजादी का 125 साल मनाए, वो कहते हैं लाल किले पे आपने सुना होगा जब देश आजादी का 125 साल मनाएगा तो नरेंद्र मोदी इस दुनिया में नहीं होगा, लेकिन मैं वो शुरुआत करके जाना चाहता हूं जब देश आजादी का 125 साल मनाए तो मेरा भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत होना चाहिए, मैं ये करने की शुरुआत कर रहा हूं। इस सोच के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं, जिनके लिए देश ही सब कुछ है।
तो मित्रों मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश वर्षों के बाद शताब्दियों के बाद भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। कि मेरे कहने से नरेंद्र मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री कहलाएंगे, ये सिर्फ भारत के लोग नहीं कहते, आज पूरी दुनिया मानती है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया में नहीं है। अमेरिका की एजेंसी है जो हर साल सर्वे करती है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब अमेरिका की वो एजेंसी ये सर्वे डिस्क्लोज करती है, टीवी पे आता है, समाचार पत्रों में आता है कि 76% वोटों के साथ नरेंद्र मोदी आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय